बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू टू द लर्नर्स एकेडमी। आई एम फरहत जान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज वेल एज द ट्रेनर। वी आर लर्निंग द कोर्स ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड द मेजरमेंट, एंड वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। वी हैव कवर्ड द मेजर टॉपिक्स एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द वैलिडिटी एंड इट्स टाइप्स। In today's lecture, that is lecture number 17, we discussed in detail about the one type of the validity, that is an criterion validity. Okay. Previously we learned what is validity. So validity refers to the extent to which the test measure what is supposed to measure or what it has the purpose to measure. ठीक है, उसी में हम लोगों ने discuss किया था criterion validity के बारे में। अब criterion validity को क्या कह सकते हैं, किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, understand कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट के आपका क्राइटेरियन का क्या मतलब है। क्राइटेरिया कहते किसको हैं, क्राइटेरिया इज़ अ वेरी लिटरल टर्म जिसका मतलब है स्टैंडर्ड्स। ठीक है, कि कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ आपके पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिसिटीज हैं, उसको आप क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, ये कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ लिमिट्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्राइटेरियन वैलिडिटी, सो इट मींस द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट मेजर अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स और अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया, कि जो सेट क्राइटेरिया है या सेट स्टैंडर्ड्स हैं, आपका टेस्ट जो स्कोर कर रहा है, टेस्ट जो चीज़ मेजर कर रहा है, वो उन्हीं क्राइटेरियाज और स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। जब वो उन क्राइटेरियाज को, उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेगा, तो देन यू विल से कि या ये एक वैलिड टेस्ट है। ठीक है, अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज योर फ्रेंड इज़ सेइंग कि ही इज़ 5.6 इंचेस टॉल। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू कंफर्म इट वेदर योर फ्रेंड इज़ सेइंग राइट और रॉन्ग, कि वो ठीक कह रहा है या गलत कह रहा है, तो अब आपके माइंड में क्या आएगा, आप सबसे पहले आपके पास मेजरमेंट टूल होना चाहिए। ओके फाइन, इफ़ यू डोंट हैव एनी मेजरमेंट टूल, नाउ आप क्या करेंगे, आपके पास एक पॉइंट क्लिक करेगा आपको कि जो डोर है, ठीक है, डोर की हाइट भी तकरीबन या ऑलमोस्ट इतनी ही होती है, तो आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि अच्छा तुम इस डोर के साथ खड़े हो जाओ। ठीक है, एंड देन आप एक कंपैरिजन करेंगे, एक क्राइटेरिया आपके माइंड में सेट है कि डोर की हाइट इतनी होती है, और फिर आप अपने फ्रेंड का जो उसने बताया अपनी हाइट को, आप उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। सो दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू द क्राइटेरियन वैलिडिटी। ठीक है, क्राइटेरियन वैलिडिटी में भी कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं। सो होप्स हो कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्राइटेरियन वैलिडिटी का समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ है क्राइटेरियन वैलिडिटी। अच्छा, देर आर द टू प्रोसीजर्स डेट आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वाइल स्टडिंग अबाउट द क्राइटेरियन validity or the criterion production. First one is about the predictive validity, and second one is the concurrent validity. And now what is predictive validity evidence? This is a kind ke jo test hai, theek hai, it will give you the same kind of the scores, or it will measure the same criterion when you administer the same test in the future time. जब आप future time में आप एक test को administer करें, तो वो वही या उसी type के scores दे, या उन्हीं चीज़ों को measure करें जो वो present time में करें। So this is something related to the predictive evidence, कि आपकी जो criterion validity है उसमें एक predictive evidence भी होना चाहिए कि वो future को भी consider करें। And second thing is the concurrent वैलिडिटी, के जब आप अपना टेस्ट को और अपने क्राइटेरिया को सेम पॉइंट पे जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वो उस टाइम पीरियड पे या सेम जब उनको एडमिनिस्टर किया जा रहा है, साइमल्टेनियसली एडमिनिस्टर किया जा रहा है टेस्ट को भी एंड आपके जो क्राइटेरिया या स्टैंडर्ड है, तो उस टाइम उनका क्या स्कोर आ रहा है। ठीक है, इट विल गिव यू द कंकरेंट वैलिडिटी एविडेंस। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको क्राइटेरियन वैलिडिटी के साथ रिलेट करके अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अब उसके अलावा अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात किया जाए कि क्राइटेरियन की क्या करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, किन फीचर्स के बेस पे क्राइटेरिया को सेट करना चाहिए, एक तो रिलायबल, कि जो भी आप क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं उसको रिलायबल होना चाहिए, वो डिफरेंट टाइम पीरियड में आपको सेम एवरेज स्कोर्स प्रोवाइड करें, तो उसको वैलिड होना चाहिए, वो वही चीज़ मेजर करे जिसके लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अनकंटेमिनेटेड होना चाहिए कि उसमें किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो होप्स हो कि ये आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।